पठान मूवी और इसके ट्रेलर जिसका इंतजार शाहरुख खान के फैंस को न जाने कितने दिनों से था, तो फाइनली अब इस मूवी का ट्रेलर आ चुका है जो अभी 10 जनवरी को आया। और जैसा कि हम सबको पहले से ही पता है कि इस मूवी और इसके ट्रेलर का लोग पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे थे, ऐसे में यूट्यूब का क्रैश होना तो बहुत नॉर्मल बात है। तो आइए जानते हैं अपनी इस वीडियो में पठान मूवी के ट्रेलर के बारे में बेहद डिटेल में। पठान मूवी का ट्रेलर जिसको आप कह सकते हैं कि ये कोई ऐसी आम मूवी नहीं है। जी हाँ, ऐसी मूवी कई सालों में एक बार बनती है और पठान मूवी भी अपनी इस इमेज को बनाने में पूरी तरह से कायम रही है। इसके साथ ही इस मूवी में जॉन अब्राहम ने भी काम किया है, ये बात तो आप जानते ही होंगे। और हमेशा की तरह अपने फिजिक और स्मार्ट लुक से जॉन अब्राहम इस बार भी फैंस का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब रहे हैं। लेकिन ये बात सिर्फ इनके लुक पर ही आकर खत्म नहीं होती है। जी हाँ, इन्होंने इस बार अपने एक्टिंग पर भी काफी मेहनत की है और एक विलेन का किरदार इन पे पूरी तरह से फिट बैठ रहा है। चाहे वो अपने एक्सप्रेशन से विलेन लुक देना हो या फिर किसी डायलॉग के डिलीवरी करनी हो, जॉन अब्राहम हर जगह अमेजिंग है। लेकिन उससे भी मजेदार बात यह है कि इंडियन फिल्मों में जहां एक्ट्रेस को स्मार्ट दिखने से ज्यादा इन्हें खूबसूरत और ग्लैमर दिखने पर ज्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन इस मूवी में दीपिका पादुकोण जो एक चालाक लोमड़ी की तरह मूवी में अपनी चालाकियां दिखाते हुए दिख रही हैं, काफी अट्रैक्ट कर रही हैं। यहां तक कि इनका रोल आपको ट्रेलर में एक्टर और विलेन से भी कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ट्रेलर में दीपिका के रोल को देखकर ये लग रहा है कि मूवी में उनका रोल सिर्फ ग्लैमरस तो नहीं है। हालांकि इस मूवी के बेशरम गाने के लिए और उनकी ड्रेस के लिए पहले ही दीपिका को काफी ट्रोल किया जा चुका है, लेकिन ट्रेलर में उनके रोल को देखकर हर वो इंसान शॉक है जिसने उनके गाने को लेकर कभी इस मूवी को बायकॉट करने की बात कही थी। और अगर ट्रेलर में शाहरुख खान की बात करें तो वो हमेशा की तरह ही बेस्ट है, यानी चाहे उनकी एक्टिंग हो या फिर उनका लुक या फिर उनकी डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ उनकी तरह माइंड ब्लोइंग है। तो आपको शाहरुख खान में उनका वो टैलेंट जो उनकी हर मूवी में दिखता है इसमें भी भरपूर देखने को मिलेगा। इनके द्वारा किए गए एक्शन सीन भी किसी हॉलीवुड मूवी को टक्कर देते हुए दिख रहे हैं, जिसको देखकर आपको ये अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा कि आखिर ये मूवी कितनी सुपर डुपर हिट होगी। लेकिन आइए अब बात करते हैं मूवी के कुछ ऐसे पार्ट्स के बारे में जो मूवी के लिए थोड़ा निगेटिव है। लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये मूवी भी कुछ नया लेकर नहीं आ रही है, यानी इसमें दिखाए गए सीन्स और मूवी की स्टोरी रिपीटेड लग रही है। इसके साथ ही इस मूवी में दिखाए गए कुछ VFX सीन को भी लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं और उन लोगों का मानना है कि इसे और बेहतर किया जा सकता था। लेकिन ठीक है, आप क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अगर मूवी में सिर्फ उतना ही है जितना इसके ट्रेलर में दिखाया जा रहा है, तो इस मूवी को भी बॉलीवुड की बाकी की मूवीज की तरह फ्लॉप होना पड़ सकता है, क्योंकि वैसे भी आजकल बॉलीवुड की कोई भी मूवी हिट नहीं हो रही है। ऐसे में अगर किसी मूवी को हिट करवाना है तो ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन के साथ इस मूवी को अच्छे VFX के साथ बनाया जा सकता था। इसके साथ ही मूवी हिट में सबसे बड़ा रोड़ा दिख रहा है मूवी में स्पाइस यूनिवर्स का लोगो, जो ट्रेलर में डालकर लोगों के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट तो क्रिएट कर लिया है। लेकिन काफी ऐसी ऑडियंस भी होगी जिन्हें ये बात अभी तक पता ही नहीं होगी कि इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा सलमान खान और ऋतिक रोशन भी कैमिया रोल में नजर आएंगे, और ऐसा करके मेकर्स ने खुद का ही नुकसान किया है। तो अब देखना ये होगा कि 25 जनवरी को क्या होता है और आप इस ट्रेलर को कितना पसंद किए हो और कितने की रेटिंग देना चाहोगे, हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी इसके बारे में भी हमें बताना न भूलें। और अगर आपको पठान मूवी के ट्रेलर के बारे में हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हर वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके।